हिमाचल के लिए कर्ज की लिमिट घटाने पर बरसे हैं डिप्टी सीएम। विकास को रोकने के लिए षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है केंद्र को। देना चाहिए कर्मचारियों के एनपीएस का पैसा। विदेशी फंडिंग स्कीमों को लेकर भी भेदभाव हो रहा है। तो हिमाचल के हकों के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे, ये बड़ी खबर सामने आई है। हिमाचल के लिए कर्ज की लिमिट घटाने पर बरसे हैं डिप्टी सीएम। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र दोनों ये चाहते हैं कि इस में रुकावटें पैदा की जाएं और जो हमारी कर्ज की सीमा है उसको घटाया जा रहा है। ये एक केंद्र प्रायोजित षड्यंत्र है, केंद्र प्रायोजित षड्यंत्र है और उसमें हिमाचल भाजपा के कुछ नेता शामिल हैं जो पूर्व शासन में 14,500 करोड़ की कर्ज की लिमिट थी उसको 9,000 करके जो है एक बहुत ही गलत कदम उठाया है। ये देश जो है राज्यों से चलता है, हम संघीय ढांचे में काम करते हैं, हमारे अधिकार है और उन अधिकारों को हनन करके उन अधिकारों को रौंद के ये देश मजबूत नहीं हो सकता। हमारे जो केंद्र में पैसा पड़ा है जो 10,000 करोड़ रुपया जमा हुआ पेंशनर्स का, वो पैसा हमें नहीं दिया जा रहा है क्योंकि जब आपने पेंशन ही नहीं देनी, पेंशन हमने देनी है तो वो पैसा हमें दें। हमारे साथ लगता प्रदेश है उत्तराखंड, उसकी फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स की और हमारे फॉरेन फंडिंग की प्रोजेक्ट्स की तुलना करें तो उनको 5 गुना लिमिट दी गई है। केंद्र की सरकार जो है हमें अपने हक लेने हैं, हक हकूक की लड़ाई हम लड़ेंगे।